अस्सलाम वालेकुम सारे नाज़रीन, वेलकम बैक टू देसी फ्रांस व्लॉग्स। आज हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग शेयर करने लगे हैं। ये एक सरप्राइज़ व्लॉग है जो हमने मम्मा को सरप्राइज़ दिया है। आप जो सामने देख रहे हैं, ये एक प्रेयर कॉर्नर तैयार किया है हम लोगों ने मम्मा के लिए, बिकॉज़ मम्मा को शुरू से ही बहुत शौक़ था अपने घर में एक प्रेयर कॉर्नर का, एक स्पेसिफिक जगह जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जाए। तो और जैसे कि आपको पता है मम्मा नातख्वां भी हैं, तो मम्मा को बहुत शौक़ था ऐसी ऐसे घर में एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल कोई ऐसा कोई बहुत पैसे खर्च नहीं किए गए, घर की चीज़ों से ही हम लोगों ने ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। जो आप नेट देख रहे हैं और जो लाइट्स देख रहे हैं, ये घर में ही पड़ी हुई थी, जो कि अब्दुल्ला को लाइट्स का बहुत शौक़ है, तो लाइटिंग अब्दुल्ला की तरफ से ली गई है, नेट हम लोगों की तरफ से ली गई है, और बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें और बहुत आसानी से आप लोगों को ये चीज़ें घर पे मिल जाएंगी। लॉकडाउन की वजह से हम लोग कहीं बाहर जाके चीज़ें नहीं ले सकते थे। तो ये जो आप पीछे प्लांट देख रहे हैं, मम्मा को प्लांट्स का बहुत शौक़ है, तो ये घर पर ही प्लांट पड़ा हुआ था और हम लोगों ने यहाँ पर रख लिया। ये जो आप छोटी छोटी कैंडल्स, ये जो कप्स देख रहे हैं, ये मम्मा ने ही तैयार किए हैं, और हमने इन कप्स के अंदर कैंडल्स, इलेक्ट्रिक कैंडल्स भर रख दी हैं, जो कि खुद ही इलेक्ट्रिकली खुद ही चलेंगी। पीछे अगरबत्तियाँ हम लोगों ने लगाई हैं, जो एक इस जगह पे होनी ज़रूरी थी। ये चीज़ स्पीकर हर घर में ऑब्वियसली मौजूद होता है, क्योंकि अब्दुल्ला को और मम्मा को नातों का शौक़ है, तो नात सुनने के लिए या कोई भी सूरत सुनने के लिए, तो इस कॉर्नर पे ये भी बहुत ज़रूरी था। ये एक फ्रेम घर पे ही पड़ा हुआ था, और हम लोगों ने अशरा की दुआ प्रिंट करके तो इसके ऊपर लगा दी है, और ये हर अशरा जिस तरह 10 दिन बाद हर अशरे की दुआ चेंज होती रहेगी, और नॉर्मल डेज़ में इधर कोई ना कोई सूरत लगती रहेगी। ये फ़ोटो फ्रेम्स थी जिसके अंदर हम लोगों ने प्लेन पेपर रख कर और ऊपर बोर्ड मार्कर से लिखा है, क्योंकि वो शीशा है तो उससे रेज हो सकता है बोर्ड मार्कर, तो कोई मसला परेशानी नहीं है। अब देखना है मम्मा का रिएक्शन। मम्मा ड्यूटी पे थी, उनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि घर पे क्या हुआ है। उन्होंने सिर्फ मुझे कहा था कि रूम को थोड़ा सा सेट कर देना, और उनको कोई आइडिया नहीं है कि मैंने रूम को, हम लोगों ने रूम को क्या किया है। तो अब देखते हैं मम्मा का रिएक्शन। मम्मा अभी इस डोर से आएंगी अंदर, वो ड्यूटी पे थी, अभी वापस आई हैं, और लेट्स सी उनका रिएक्शन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ आपकी होस्ट शाहीन। अल्लाह पाक के फजल करम और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से, और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज एक बार फिर बच्चों ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, यूं किया है कि मेरा दिल ऐसे जैसे किसी ने यूं दबोच के रख दिया हो। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, नॉट एट ऑल, रियली नॉट एट ऑल। मैं बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि आज मैं आऊंगी तो आगे ऐसा सरप्राइज मुझे मिलेगा। एक्चुअली ये रूम जो है ये अब्दुल्ला का है, तो अब्दुल्ला को रात को थोड़ा ये घबराता है, तो सो मैं इसके साथ यहाँ इसके साथ सोती हुई।
इसकी सेटिंग टोटली चेंज थी। इसका जहां पे ये कॉर्नर आपने देखा है, यहाँ ये बेड लगा हुआ था, दूसरी साइड जहां बेड है वहां इसका स्टडी टेबल था, और इसी तरह और कुछ चीजें थी। तो मीन्स टोटली बिल्कुल टोटली चेंज थी इसकी सेटिंग। तो बहुत टाइम से मीन्स के काफी अरसे से मेरे दिल में ख्वाहिश थी, पिछले घर में थे तब भी, यहाँ आए तब भी यही बच्चों से कहती थी, यार किसी कमरे में ना प्रेयर कॉर्नर बनाएंगे और कोई ऐसी मखसूस जगह फिक्स कर देंगे कि जहां पे सिर्फ ऐसा माहौल क्रिएट करना है हमने कि जहां जाके तो दिल चाहे कि बस अब जल्दी से नमाज पढ़ लें, कुछ पढ़ लें। उसका नाम हमने प्रेयर कॉर्नर रखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि हर कमरे में जब बेड लगाया, यहाँ रूम भी छोटे छोटे हैं, बेड लगाया, स्टडी टेबल बच्चों के लगे हैं तो साइड टेबल लगे हैं, तो जगह खत्म होगी, तो कुछ ऐसी कुछ सेटिंग बन नहीं पाई है और बस वो दिल की हसरत दिल में ही रहेगी। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था, बहुत दिनों से मैं ये भी शोर मचा रही थी कि रमजान आने में, रमजान की तैयारी करी, लेकिन शोर ही मचा रही थी कि मैं घर पे नहीं होती हूँ, तो बस मैं शोर ही मचा रही थी। तो पर्सनली मैंने कुछ किया नहीं था और ना ही मैंने कोई सजेशन दी थी बच्चों को कि क्या करना चाहिए, क्या करेंगे रमजान की तैयारी। तो बेसिकली रमजान की तैयारी का मतलब यह क्या होता है, समोसे बना लो, तो पता नहीं क्या क्या बना लो, कबाब बना लो, समोसे बना लो, मतलब कि रमजान की तैयारी में बेसिकली यही चीजें होती। लेकिन बहरहाल आज अभी मैं आई हूँ तो आप लोगों ने देखा है कि आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स, मुझे मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं वो खुशी आपको कैसे उसका इजहार करूं। एक तो ये कॉर्नर बनाया, ऊपर से ये जिक्र जो मेरे पीर साहब का जिक्र है, ये पीर चूरा शरीफ जो है हमारे पीर साहब है वो, तो उनका ये जिक्र है, ये उनसे मुख्तस है, मीन्स के ये उनके साथ इसके एसोसिएशन है, ये जिक्र वहां होता है और हम उनकी मुरीद है, तो हम लोग भी यही अल्लाह के जिक्र करते हैं। तो जब मैं एंटर हुई तो ये जिक्र भी इन्होंने स्पीकर पे लगाया हुआ था, और यकीन करें कि फिजा गूंजी, तो यूं लगा कि मुझे उठा के किसी ने वहां पे पीर साहब के सामने ले गए और मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया ये। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, जिंदगी की दौड़ में इतने बिजी हैं कि क्या बताऊं, बहुत कुछ जो है वो डेली रूटीन में से निकल गया है, समझे, कुछ माहौल होता है, कुछ जगह होती है, कुछ थोड़ा टाइम होता है, इंसान थोड़ा रिलैक्स होता है, सोचता है हाँ किसी महफिल में जाए, कुछ पढ़े, कुछ ऐसा करे, कुछ कुछ सुने, लेकिन इतनी सुबह से रात तक इतनी दौड़ है कि बहुत सारी चीजें जो है वो मेरे रूटीन से साइड पे हो चुकी है, पता ही नहीं चला। मैं बीच में से बहुत दुखी भी होती हूँ, बहुत परेशान भी होती हूँ कि मैं एक नात ख्वां हूँ। बेसिकली अल्लाह पाक ने मुझे ये सआदत अता फरमाई है, मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सना ख्वान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरा नाम आता है, लोग मुझे उस नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसे हालात के शिकंजे में आ चुकी हुए कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। मैं वैसे वहां ड्यूटी पे जब होती हूँ तो मैं पढ़ती रहती हूँ, नाते मैं फारिग नहीं बैठती हूँ, खाना पकाते पढ़ती रहती हूँ, लेकिन वो जो एक महफिल सजाने का जो मजा होता है ना, बहुत दूर हो गया मुझसे। इंशाल्लाह जल्दी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं जाऊंगी वापस पाकिस्तान, तो वहां पे ढेर सारी महफिलें करेंगे, खूब महफिलें सजाएंगे इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो। आप दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा अल्लाह खैर खैरियत से वो दिन वापस लाए कि हम लोग सरकार की महफिलें सजाएं, झूम झूम के सरकार की महफिलें सजाएं। तो अभी जब मैं यहाँ आई हूँ तो यकीन करें कि बस मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं रो रो के बच्चों का शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने इतना खूबसूरत सरप्राइज मुझे दिया है। कि मैं ये चाह रही थी, और बच्चों को मैं हमेशा से एक्सप्लेन करती कि ये एक कॉर्नर होना चाहिए, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जिसे देख के शर्म आ जाए, हया आ जाए कि यार चलो यहाँ पहुंच गए, निगाह पड़ी, नमाज पढ़ लें, टाइम हो गया, कोई चीज यहाँ रखी हुई है वो पढ़ लें, तस्बीह पढ़ लें, अल्लाह को याद करें, कि एक कोई एसोसिएशन होती है ना किसी चीज से रिलेटेड, कोई चीज एसोसिएट करती है तो बंदे को खुद ब खुद थोड़ा सा फीलिंग आती है कि नहीं यार आई गई यहाँ पे, सामने नजर आ गई, ये काम कर लें, ये काम कर लें। तो आप लोगों को भी मैं ये कहूंगी, घर में बच्चे हैं, छोटी सी बच्ची भी है, बच्चे बाकी तो चलो बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो समझदार होंगे, छोटी बच्ची भी है, जब वो देखेगी हमें कि ये माहौल क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी करेगी। आपको पता है कि जब नात लगती है तो हम लोग यूं करते हैं, तो वो छोटी बच्ची 1 ईयर की है तो वो भी साथ में यूं करना शुरू कर देती है, झूमना शुरू कर देती है, नात लगती है या पढ़ते हैं कुछ, लाए लबड़ते हैं उसे सुलाते हैं, तो कलमा पढ़ते हैं हम लोग, नात पढ़ के तो उसे सुलाते हैं, तो वो उस पर झूमते झूमते सो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो बचपन से बच्चों के अंदर हम पोर आउट करते हैं, तो वो फिर बच्चे जो है वो ऐसी छोटी छोटी बातों को गोद से लेकर तो एडॉप्ट करना शुरू करते हैं, तो वो फिर बड़े होकर बच्चे अल्लाह पाक करम करते वो भी नात ख्वां बनते हैं, वो अल्लाह के प्यारे बनते हैं वो बच्चे, उनके दिलों में फिर वो और तरह का
उर्द्र की हुब आती है, उनकी मोहब्बत उनके दिल में आहिस्ता 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 परवान चढ़ती चली जाती है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ऐसी बातों को थोड़ा सा घर में थोड़ी अटेंशन दें और कोशिश करें कि ऐसा कोई कॉर्नर जो है वो क्रिएट करें। तो आपको कैसा लगा है? मुझे तो बहुत ही सुरूर आया है ये सब कुछ देख के, और ये स्पेशली ये जिक्र जो साथ लगाया है, तो बिलीव मी मुझे नहीं पता कि YouTube वाले कहीं कॉपीराइट ना दे दें, आई डोंट नो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये अपनी वीडियो के तरफ से कि खुदा रहा ये मेरे पीर साहब का जिक्र है, तो इसे मैंने कहीं कॉपी करने के लिए नहीं किया, ये जिक्र है, इस जिक्र को सुने बिना तो दिल मेरा चैन नहीं पाता है, तो खुदा रहा इसे कॉपीराइट क्लेम ना दीजिएगा। और ये जिक्र है चूरा शरीफ के पीर साहब में जो सियालकोट में होते हैं, जो गुजरांवाला में, सॉरी गुजरांवाला में होते हैं, तो पीर इजाज हुसैन शाह साहब हमारे पीर साहब हैं जो चूरा शरीफ वाले, तो ये उनका जिक्र है, तो उनके मुनासबत से ये जिक्र जब जब भी हम सुनते हैं तो हमारा रू रू जो थी ना खुश हो जाती है क्या। तो आज का ये बच्चों की जो काविश है, ये जो उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया, आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोगों ने कैसा फील किया है मुझे जरूर बताइएगा, और आप क्या राय है कि मेरा एक क्वेश्चन है कि आप क्या समझते कि ऐसा कॉर्नर घर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई एक स्पेशल स्पेस जो सी है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपकी क्या राय है, आपके ख्याल में आपकी सोच के मुताबिक कि ये जो बच्चों ने किया है ये सही किया है, रमजान की आमद है तो रमजान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, इन्होंने लिख के भी लगाए हैं ये छोटे छोटे इन्होंने फ्रेम्स उनसे हैं ये लिख के बना के, तो इन्होंने ये लगाए हैं देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, काबा की तस्वीर भी बनाई है इन्होंने माशाल्लाह, बड़ी मेहनत की है और लिखा भी है जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच बेटे, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह पाक आप लोगों को अजर अजीम अता फरमाए। तो ये कैंडल्स ऑन किए हैं, स्पीकर लगाए हैं, और ये देखे ना अशर रहमत आ रहा है, सुबहान अल्लाह वाह जी वाह, ये भी प्रिंट आउट से इन्होंने लिए हैं, लिखे हैं क्या क्या किए हैं, अल्लाह पाक इनको जिंदगी दे। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, बच्चों को हमें दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सब लोगों पर अपना खुसूसी फजल करम अता फरमाए, दुआ में याद रखिएगा, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।